बच्चों, इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ में एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें कितने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। भाई आपने देखा, हमने कहा कि जस्ट एक कैपेसिटर बनाते हैं, आप समझिए कैपेसिटर्स में दो प्लेटें होती हैं, आपको इतना आइडिया है। मैंने कहा हमारा ये कैपेसिटर है वो क्या है, इनिशियली डिस्चार्ज है एकदम, इस पर कोई भी चार्ज नहीं, दो प्लेटें दी गई हैं बस, इस तरीके से इसमें कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर नहीं है। फाइनली अगर इसको चार्ज कराना स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आप मुझे बताइए, आपने देखा होगा कि आपका जो कैपेसिटर है, मैंने देखा यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो कैपेसिटर है उस पर एक प्लेट आपकी नेगेटिव चार्ज हो जाती है एंड देन सेकेंड आपकी क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ये आपका फुली चार्ज कैपेसिटर है, फुल चार्ज कैपेसिटर आप लिख सकते हैं इसको, फुल चार्ज कैपेसिटर ठीक है, या फुली एनर्जी के अंदर आ चुकी है जस्ट, मतलब हमने कहा इस पर क्यू चार्ज है, इस पर ही कितना चार्ज है क्यू, इस पर माइनस का है, इस पर प्लस का है। ओके, अब क्या होगा कि इसको हम बैटरी से कनेक्ट कराएंगे। आप मुझे बताइए ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, इसको जिस तरीके से आप बैटरी से कनेक्ट कराओगे, एट एनी इंस्टेंट जब आप चार्ज कर रहे हो, तो मैंने कहा कि इस पर कुछ नेगेटिव चार्जेस आ चुके हैं, इस पर कुछ पॉजिटिव चार्जेस आ चुके हैं, मैंने कहा इस पर Q डैश का नेगेटिव चार्ज आया है, इस पर क्या आया है प्लस Q डैश का पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। आपने बैटरी जोड़ा इस तरीके से जाएगा। अब बैटरी हटा देते हैं, हमने जब चार्ज करना स्टार्ट किया ऐसे समझ लिया, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि भाई हमने कहा कि एट एनी इंस्टेंट इस पर Q डैश चार्ज हो गया है माइनस का, इस पर प्लस का Q डैश चार्ज हुआ है। ओके, अब क्या करेंगे भाई, मैंने कहा कि बैटरी आपने ऐड किया है तो कुछ ना कुछ भाई बैटरी के थ्रू वर्क कर रहा, मैंने कहा एक छोटा सा चार्ज लेते हैं, कितना DQ डैश, एक छोटा सा चार्ज लेते हैं DQ डैश पॉजिटिव का। आप मुझे बताओ इस पॉजिटिव चार्ज को इस प्लेट से इस प्लेट तक ले जाने में आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। मैंने कहा छोटा सा चार्ज है तो आपको कितना करना पड़ेगा, स्मॉल छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा, कितना DW, क्योंकि आपका जो ये नेगेटिव देखो पॉजिटिव चार्ज है इसको पॉजिटिव के पास ले जाने में क्या करना पड़ेगा, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होता है, तो आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा किसके थ्रू, बैटरी के थ्रू, बैटरी के थ्रू हम वर्क कराते हैं कुछ इस तरीके से। DW क्या हो जाएगा, इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल कितना है, मैंने कहा बी डैश मान लेते हैं, अभी चार्ज हो रहा है बी डैश इंटू DQ, ये आपने कहां से लिखा है, डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस की, V इक्वल टू क्या होता है W अपॉन टेस्ट चार्ज, वर्कर अपॉन टेस्ट चार्ज, तो यहां पर क्या हो जाएगा वर्कर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, आप लिख सकते हो सिंपल। अगर आप बी डैश का वैल्यू लिखना चाहोगे, बी डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू डैश बाई सी, इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं सी होगा, ये लिख लो, तो आपका DW कितना हो जाएगा, क्यू डैश बाई सी इंटू DQ। इस छोटे से टेस्ट या छोटे से चार्ज को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक ले जाने में हमको इतना वर्क डन करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे हम बहुत सारे चार्जेस ले रहे होंगे तो आपका कैपेसिटर चार्ज हुआ होगा, और जब आपका चार्ज हुआ होगा तो अगर हम बोले इनिशियल चार्ज कितना था, इनिशियली आपका जो कैपेसिटर था वो डिस्चार्ज था, मतलब चार्ज जीरो था। अगर हम Q इनिशियल की बात करें, क्यू आई ऐसे लिख देते हैं जीरो था, Q फाइनल की बात करेंगे तो कितना आ गया है, Q आ गया है, तो टोटल वर्क डन
जीरो से क्यू चार्ज करने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा हमको कैपेसिटर एक्सटर्नली, वो क्या हो जाएगा, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन आपका क्या आएगा बताइए, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, कहां से कहां था, जीरो टू क्यू, क्योंकि इनिशियल चार्ज क्या है, जीरो है, फाइनली क्यू हो गया है। और आप मुझे बताइए इसको सॉल्व करते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो टू क्यू, डी डब्ल्यू का वैल्यू रख सकते हो आप क्यू डैश बाई सी इंटू डी क्यू डैश, क्योंकि डी क्यू डैश इसको ले लो आप। आप बताओ क्या हो जाएगा, जितने कॉन्स्टेंट चीजें होती हैं बाहर आते हैं, इंटीग्रेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू वन बाई सी इंटीग्रेशन क्यू डैश इंटू डी क्यू डैश जीरो टू क्यू, फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू डैश का स्क्वायर बाई टू जीरो टू क्यू, लिमिट लगा दीजिए आप वन बाई सी बाहर हो जाएगा डब्ल्यू, यहाँ पर अपर लिमिट रखोगे क्यू डैश के लिए, फिर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो का स्क्वायर बाई टू, और आप इसे सॉल्व करोगे वन बाई सी, तो आपको वर्क डन कितना मिल गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी, ये आपको क्या मिला, वर्क डन मिला। क्या करने में भाई, जीरो इनिशियली आपका जो कैपेसिटर था डिस्चार्ज था, फाइनली आपने क्यू चार्ज दिया था, तो जीरो चार्ज से क्यू चार्ज प्रोवाइड करने में आपको जितना वर्क डन करना पड़ा है वो कितना आया, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। लिख लो दिस वर्क डन, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, एज पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, तो यू इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। और आपने पढ़ा है क्योंकि क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी भी एक फॉर्म और बना सकते हो आप, यू इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू सी, सी से सी कैंसिल हो गया, तो यू इज इक्वल टू मिलेगा हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या मिल गया, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। देखो आपको क्यू और सी कैपेसिटेंस दिया हुआ, चार्ज और कैपेसिटेंस दिया हुआ, तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, चार्ज और वोल्टेज दिया गया हो तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, और एक फॉर्मेट आप चाहो तो कर सकते हो। देखिए यहीं पर आप देखो सी का वैल्यू रखो, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई वी, ठीक है। हम थोड़ा सा रख करके आपको बता देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा भाई क्या हो जाएगा। देखिए C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई बी हो गया है, तो आप बताओ यहां पर रखो U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी की जगह पर Q बाई बी, तो आप मेरे को बताओ Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो U इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू बी मिलेगा। एक फॉर्मूला और आपको मिल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये आपके तीन फॉर्मूले होते हैं कैपेसिटर के, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के, आपको तीनों याद रहने चाहिए। तो आई होप आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, अगर जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, जहां भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।